हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ ठीक हो गए दोस्तों। आज मैं आपको बताऊँगा कि ऑटो कैड में लाइन को सेट आउट करते हैं। जैसे ही आप ऑटो कैड को ओपन करोगे तो सबसे पहले आप लाइन कमांड को ऐसे क्लिक करके एक्टिवेट करना है। उसके बाद यहाँ पर ड्राइंग है, कहीं पर भी आपको क्लिक कर देना है और इस तरह ड्राइंग एरिया पर एक बार क्लिक करना है और अपने कर्सर को साइड में लेकर आना है और टाइप करना है जितना भी आपको चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल ड्रा हो जाएगी और ऊपर लेकर जाएंगे, वर्टिकल एंटर कर देंगे जैसे मैंने 6 किया। तो उसके बाद साइड में लेकर आएंगे, वापस फिर 10 देखिए, और फिर नीचे लेकर आएंगे सेम वही। देखिए लाइन करके हमने कैसे एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया है, तो आपको पता लग गया होगा कि कैसे एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की जाती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे आप ML टाइप करेंगे तो M लाइन यानी मल्टी लाइन यानी कि दो लाइन एक साथ टाइप होंगी। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया तो दो लाइन एक साथ टाइप होंगी। जैसे मैंने 10 एंटर किया, अब मैं ऊपर लेकर जाऊँगा, ऊपर आपको बराबर लाइन चाहिए देखिए, ठीक है, और साइड में लेकर आऊँगा तो सेम आपको वहीं चाहिए, और फिर मैं टाइप कर दूंगा और ऐसे ही मैं नीचे के लिए करूंगा, ठीक है। देखिए तो मल्टी लाइन से भी आप रेक्टेंगल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा होगा। लाइन मैंने इस वीडियो में बताया कि लाइन और मल्टी लाइन कैसे हम ऑटो कैड में ड्रॉ कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।